हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आज लॉकडाउन कैसे कट रहा है घर पर आप लोगों का? बढ़िया, मस्त है ना? अब तो पढ़ाई होने लगी, अब तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं। अभी 3 मई के आगे भी देखो भी क्या होता है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए बैठ कर के आराम से। घर पर पढ़ाई तो हो ही रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। चलिए, कल केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे आपको, कुछ कंसेप्ट थे, बेसिक कंसेप्ट थे केमिस्ट्री के, जहां पर हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था। और मोल कंसेप्ट में हमने कल थोड़ा सा पार्ट आपको सॉल्यूशन का बताया था, कि जिसमें आपको हमने बताया था कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, किसी की मोलारिटी कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आपको बताया था। जो लोग हमारा पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखे हैं, वो पार्ट वन वाला वीडियो पहले देखें, जिससे आपको फॉर्मूलेस पता हो जाएंगे कि मोलारिटी मोल फ्रैक्शन इन सबके फॉर्मूले क्या हैं, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे उसी के, उसको आपको समझना है, ठीक है? उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाने हैं मोल कंसेप्ट से। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम आपको जान लेते हैं, जिसे कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आई। जैसे कि उनको ये नहीं समझ में आया था, बहुत बच्चे ये पूछ रहे थे, जैसे आकाश आपने पूछा था कि क्या हम क्वालिटेटिव मेथड से इसी का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आकाश सुनिए कि क्वालिटेटिव मेथड से हमने आपको यह बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी आपके सामने ला करके हम खड़ा कर दें, क्या आप उसको देख करके बता सकते हो कि उसके अंदर कौन से गुण होंगे, अच्छा है आदमी कि बुरा है आदमी? जब तक वो कोई क्रियाविधि नहीं करेगा तब तक आप नहीं बता सकते, उसको देख करके नहीं बता सकते। इसी तरीके से जैसे हम आपके सामने नमक पानी ला करके रखें या चाय आपके सामने ला करके रखें, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें चाय की क्वांटिटी कितनी हुई होगी, उसमें दूध कितना पड़ा है, उसमें शक्कर कितनी पड़ी है, पानी कितना पड़ा है, ये नहीं बता सकते। ये इसको क्वालिटी कहा जाता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुड़, ठीक है? तो वो आप नहीं बता सकते। आपको अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये कितना है, तो चाय कितनी थी, ये कितना है, वो कितना है, ठीक है? सब सॉल्यूशन आपको क्या करने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड में फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसी वजह से हम क्वालिटेटिव से इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके, आज हम आगे बात करते हैं, ठीक है? तो आगे क्या है, आगे जिसे आज हम स्टार्ट करेंगे, इससे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन कराने से पहले आपको दो चीजें निकालना आना चाहिए, एक तो मोल निकालने आने चाहिए और दूसरा आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, ठीक है? किसी भी चीज का। जैसे अब मोल निकालने का फॉर्मूला कल हमने आपको बताया था कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि जो टोटल वेट हमारे पास होता है, टोटल वेट जो क्वेश्चन में गिवन होगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? और यही मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना, तो आपको हर एक कंपोनेंट्स के या जितने भी आपके पास में जो एटम्स अभी तक खोजे गए हैं, जो भी एलिमेंट अभी तक खोजे जा चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, उनके आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो कुछ हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, जिसमें मतलब ज्यादातर 90% जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये फॉलो हो जाते हैं, जिससे आपको मॉलिक्यूलर वेट आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आपको एटॉमिक वेट याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ज्यादा नहीं, 1 से 30 तक आप अगर मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर आप याद कर लेते हैं अगर आप, तो आप उसका एटॉमिक वेट हम जो ट्रिक बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ट्रिक देख लीजिए क्या है। देखिए क्या होता है कि कुछ हमारे पास एक हाइड्रोजन का होता है, उसको छोड़ देंगे तो कुछ हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं और कुछ एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। जैसे कि जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे हमारे पास हैं, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, ठीक है? ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं और कुछ के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उसमें आपको क्या करना है, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर है उनको क्या करेंगे कि उसके एटॉमिक नंबर में 2 से गुणा करेंगे और 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है और वो एटॉमिक नंबर अगर एक ऑड नंबर है तो आप उसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है? जैसे सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11, तो 11 एक ऑड नंबर है, तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए हमको क्या करना करेंगे, 11 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 11 * 2 कितना हो जाएगा, 22, और +1 कितना, 23।
हमने ये नहीं कहा कि सब में फॉलो होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पर ये क्या हो जाता है फॉलो, जैसे नाइट्रोजन 7 है तो नाइट्रोजन में नहीं फॉलो हो पाता है, नाइट्रोजन का फिर क्या कहते हैं 14 ही रहता है, वो 15 नहीं होगा। तो एक दो ऐसे हैं एक्सेप्शन में जिनमें ये नहीं फॉलो होता है, लेकिन 1 से 30 तक बहुत सारी चीजों में ये फॉलो हो जाएगा। आपको एटॉमिक नंबर अगर पता है तो एटॉमिक वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरह से जैसे इवन है, तो जिनका इवन नंबर हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर में क्या करेंगे, 2 से सीधे गुणा कर देंगे तो उसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, और 8 एक इवन नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे सीधे 2 से गुणा कर देंगे तो हमको इसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको ट्रिक थोड़ा बहुत तो अपनाना ही पड़ेगा। तो ये केवल फॉलो कहां तक होते हैं, ये कि 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ने वाला या 2 मल्टीप्लाई करने वाला, ये 1 से लेकर के 20 एटॉमिक नंबर जिनके होते हैं केवल वहीं तक फॉलो होता है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं फॉलो होता है। अब 21 से लेकर के 30 तक जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं, 21 से लेकर के 30 तक जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं, वहां पर आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो वहां पर करना क्या है कि 2 से गुणा तो आपको करना ही करना है, मतलब एटॉमिक नंबर में 2 से गुणा करना ही करना है, लेकिन जोड़ना कितना है। तो एक कोड याद कर लीजिए, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 345, 445, 455, 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 अगर आपके पास में किसी का एटॉमिक नंबर कितना है 21, तो उसमें 21 में क्या करेंगे 2 से गुणा करके कितना जोड़ देंगे 3। अगर किसी का एटॉमिक नंबर क्या है 22, तो 2 से गुणा करके क्या जोड़ देंगे 4। इसी तरह 23 है तो 5, 24 है तो क्या कहते हैं 4, 25 है तो 5, 26 है तो 4, 27 है तो 5, 28 है तो 4, 29 है तो ये, 30 है तो 5। ठीक है, तो ये कोड याद कर लीजिए, ये वाला कोड, ये कोड 2 से गुणा करिए और ये कोड के अकॉर्डिंग जोड़ दीजिए। जैसे किसी का 26 था तो 2 से गुणा करके 4 क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप 30 तक किसी के एटॉमिक वेट क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। आपको एटॉमिक वेट याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एटॉमिक नंबर केवल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं मोल निकालने की। तो मोल निकालने के लिए क्या करना है आपको, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब सब एक कोई एग्जांपल लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट निकलता कैसे है, बहुत ही सिंपल सा ले लेते हैं ये, जिसके बगैर कोई रह ही नहीं सकता। ठीक है, H2 पानी, इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे, कितने मोल हाइड्रोजन के हैं 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 2 था, तो इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 1 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कितना होगा 1 होगा। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 8, और 8 एक इवन नंबर है 8, तो 8 × 2 कितना हो गया 16, तो 16 इसमें और जोड़ दिया। ठीक है, तो 16 और 2 कितने हो गए 18, तो H2O जो हमारे पास होगा, तो H2O का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना निकल करके आएगा 18। और कुछ ले लेते हैं, जैसे बेंजीन C6H6, बेंजीन का अगर आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने कार्बन है 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन है, और एक कार्बन का एटॉमिक वेट होता कितना है 12, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और 6 एक इवन नंबर है, तो हमने 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 12 हो गया, तो एटॉमिक वेट कितना हो गया 12। रखना है एटॉमिक वेट ही है, एटॉमिक नंबर नहीं रखना है। ठीक है, प्लस 6 ये हो गया, और हाइड्रोजन का कितना 1। ठीक, तो कितना हो गया 12 को 6 से अगर गुणा करें 12 × 6 कितना हो गया 72, और ये 6 तो 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8, ये 78। तो ये बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा कितना 78। तो इस तरीके से आपको किसी के मॉलिक्यूलर वेट क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम इसके लिखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना है फाइंड आउट करना है, उसके आंसर आपको निकालने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे, आपको घर से करके लाना होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6।
एंड कार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। वन तो मोनो, दो तो डाई, तीन ट्राई, फोर टेट्रा, फाइव पेंटा, ऐसे करके होता है ना। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपके पास में। क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। किसका मास परसेंटेज निकालना है, बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब बेंजीन का भी निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, अगर 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व करी गई है, इसमें 122 ग्राम ऑफ CCl4 में क्या करी गई है, डिजॉल्व करी गई, ठीक है। 122 ग्राम ऑफ CCl4 में डिजॉल्व करी गई है। अब आपको क्या करना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कल मैं आपको बताया था, कल वाले वीडियो में फिर से बता दे रहे हैं, जो कि पहला वाला पार्ट वन जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, वो पहले पार्ट वन वाला वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था, हमारे पास मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता था कि मास ऑफ सोल्यूट ऊपर रखते थे और मास ऑफ सोल्यूशन कहां रखते थे, नीचे रखते थे, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक। ये तो अब हमारे पास देखिए दो चीजें हैं, एक तो बेंजीन है और दूसरा क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और दोनों का मास परसेंटेज उसने पूछा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 22 ग्राम ऑफ बेंजीन है, डिजॉल्व किसमें की गई, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में, किसकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी किसकी कम है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन की क्वांटिटी कम है, मतलब सोल्यूट कौन हुआ, बेंजीन, और ज्यादा कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सॉल्वेंट क्या हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, क्योंकि बेंजीन डिजॉल्व करी गई इसके अंदर CCl4 के अंदर, तो ये सॉल्यूट हुआ और CCl4 क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ठीक। अब हमको दोनों की पूछा था, तो दोनों का मास परसेंटेज हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहां पर हमको मास परसेंटेज पहले हमको निकालना है, मास परसेंटेज हम पहले निकाल लेते हैं, किसका, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, पहले हम बेंजीन का मास परसेंटेज क्या करें, निकाल लें। तो मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास कितना है, देखो बेंजीन का मास कितना है 22, बेंजीन का पूछा था तो बेंजीन का हमने कहा रख दिया ऊपर, और नीचे कितना होना चाहिए था सॉल्यूशन का, तो देखो 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम क्या हुआ, सॉल्वेंट, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, यहां करके ऐड कर दें, 22 प्लस 122 दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमको मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, बेंजीन का पता चल जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर ये हो जाएगा 22, नीचे कितना हो जाएगा 22 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ऊपर 22 और नीचे कितना हो जाएगा 124, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, ठीक, आप लोग घर पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो ये 22 × 100 और इसको डिवाइड करेंगे अगर 144 से, तो ये कितना आ जाएगा 15.27, तो ये 15.27% निकल आएगा, किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का मास परसेंटेज निकल आएगा कितना, 15.27%, ठीक। तो हमने ऊपर जिसका पूछा था मास परसेंटेज, उसका मास कहां रखा, ऊपर, और नीचे कहां का रखा, टोटल सॉल्यूशन का रखा, और इसको कैलकुलेट कर लिया तो कितना आया, 15.27% आया। अब अगर हमको क्या करना है, किसका निकालना था, अब अगर हमको निकालना है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो अब की बार हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास ऊपर रख देंगे, कितना था 122, और नीचे कितना रख देंगे, टोटल सॉल्यूशन का 22 प्लस 122 इंटू 100, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, ये ऊपर तो 122 इंटू 100 और नीचे तो वही रहेगा ना 134, तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 122 और ये 144 डिवाइड कर देंगे इसको, और 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 84.72%, तो ये इसका निकल आया तुम्हारे पास, ठीक।
तो एक तो वो निकल आया और एक ये भी निकल आया। देखिए एक तरीका इसका और निकालने का था, जब कभी भी आपको सोल्यूशन दिया हो तो अगर आपको सोल्यूशन का परसेंटेज नहीं दिया तो हम कितना परसेंट मान के चलते हैं, 100% हम मान के चलते हैं कि 100% का सोल्यूशन था, ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज मिलेगी तो 100% सोल्यूशन बनेगा। आप मान लीजिए कि हमने इसका निकाल लिया था कि 15.27% आया था और हमको इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना था, तो एक तो तरीका यह था कि इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरा तरीका क्या था कि हम 100 में से कितना माइनस कर देते, 15.27% क्या कर देते, माइनस कर देते, तो बचा हुआ CCl4 हमारे पास क्या हो जाता, पता चल जाता, तब भी कितना आता, यही आता 84.72। ना मानिए तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 100 माइनस 15.27 तो कितना आएगा 84.72 या 73, ठीक। फिर से क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, इसको रोकते हैं। देखिए ये कहता है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास परसेंटेज आपको निकालना था, साथ साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज आपको निकालना था। कह क्या रहा था कि यदि 22 ग्राम बेंजीन किसमें डिजॉल्व करी गई है, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या करी गई, डिजॉल्व करी गई। तो हमारे पास मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता था कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अब हमको क्या करना था, तो हम मास ऑफ बेंजीन निकालना था, तो हमको पता था कि सॉल्यूट क्या है 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्योंकि बेंजीन की मात्रा कम है, डिजॉल्व किसमें करी गई है 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इस वजह से सॉल्वेंट और ये क्या था सॉल्यूट था। तो हमने सॉल्यूट का मास ऊपर रखा और नीचे टोटल मास सॉल्यूशन का रखा, कैलकुलेट किया तो कितना आया 15.27%। अब अगर हमको किसका निकालना था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना था, तो अगर हम 100 में से इतना माइनस कर दे तो बचा हुआ पार्ट पता चल जाएगा, क्योंकि 100% हम सॉल्यूशन मान करके चलते हैं। तो ये तो तरीका ये था डायरेक्ट निकाल लेते, बहुत आसान था। दूसरा तरीका था कि आपके अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछा था तो इसका मास ऊपर रख देते, सॉल्यूशन का नीचे रख देते, तो इसका मास परसेंटेज पता चल जाता, ओके। अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा और, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन और कराते हैं। बाकी क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क में, वो करिएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है C6H6 इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये आपके पास में दिया, ठीक है। कुछ चीजें हम आपको पहले बता देते हैं कि कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी नहीं दे रखी है, टोटल सॉल्यूशन कितने परसेंट है अगर नहीं दे रखा है, तो आप कितना परसेंट मान के चलेंगे, 100% मान लेंगे कि हम मान के चलते हैं कि 100% सॉल्यूशन है, ठीक। अगर कभी सॉल्वेंट का नाम ना दिया हो कि ये चीज किसके अंदर डिजॉल्व करी गई है, अगर सॉल्वेंट का नाम नहीं दिया है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वहां पर उसको वाटर कंसीडर कर लेंगे, मतलब H2O को क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास, जहां पर सोल्यूशन में 30% इसका मास अवेलेबल है, मतलब कोई एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 30% कौन है, बेंजीन है। एक 100% का सोल्यूशन हमारे पास है जिसके अंदर 30% क्या है, बेंजीन मिला हुआ है, ठीक है, 30% बेंजीन मिला हुआ है बाई मास, किसके द्वारा, मास के द्वारा। तो अगर 100% सोल्यूशन है, मतलब 100 ग्राम का हम सोल्यूशन मान लेते हैं कि 100 ग्राम का सोल्यूशन हमारे पास है, इसमें से 30% मतलब कितना, 100 का 30% कितना हुआ, 30 ग्राम, तो 30 ग्राम क्या हुआ, बेंजीन। डिजॉल्व है किसके अंदर, अब ये देखो हमको किसके अंदर डिजॉल्व है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन आपको बेंजीन का निकालना है जिसका मास इतना है 30% है और डिजॉल्व किसमें है, CCl4। तो हम मान के चलते हैं टोटल सोल्यूशन कितने परसेंटेज का, 100% का, जिसमें 30% क्या है, बेंजीन, तो बाकी बचा कितना आपके पास में, 70% बचा, वो क्या होगा आपके पास में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक।
अब मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, मोल जिसका पूछे सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए। तो हमने मोल फ्रैक्शन का क्या किया, फॉर्मूला लिखा। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आपको पूछा था उसका मोल ऊपर और नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का मोल नीचे रखना होता है, ठीक। तो अब इसमें देखो पूछा किसका था, बेंजीन का, तो हमने इसको एक सिंपल काई से निर्मूल करवाया था, तो C6H6 इसका पूछा, हमने सब इसमें लगा लिया, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल C6H6, बेंजीन का नंबर ऑफ मोल पर लिख दिया क्योंकि बेंजीन का पूछा था, और नीचे टोटल सॉल्यूशन का रखना है, तो टोटल सॉल्यूशन का कितना मोल, एक तो बेंजीन और मिला किसमें है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो दोनों का मिलकर के क्या बना, तभी तो सॉल्यूशन बना, जब बेंजीन को इसमें डिजॉल्व किया तभी सॉल्यूशन बना, तो नीचे टोटल मोल हमने रख दिए। अब हमारा काम क्या है, फॉर्मूला बनकर के तैयार। अब हमको सबके मोल क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो हम सबके मोल इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले किसका मोल कैलकुलेट कर लें, C6H6, बेंजीन का मोल क्या करने कैलकुलेट कर लें। तो बेंजीन का मोल कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो टोटल वेट बेंजीन का कितना दिया है, 30% मतलब 30 ग्राम, 100 ग्राम में से, ठीक है, तो 30 ग्राम डिवाइडेड बाई। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको नीचे रखना है, तो मॉलिक्यूलर वेट C6H6 का कितना होगा, देखो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन कितने हैं 6, एटॉमिक वेट कितना 1, तो ये कितना हो गया आपके पास में इसको देखो, तो ये हो जाएगा 30 और नीचे कितना हो जाएगा ये 72, ये हो जाएगा और 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 78, तो कितना हो जाएगा 0.38, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा कितना 0.38। इसी तरीके से मोल निकाल लीजिए किसके, CCl4 के भी निकाल लीजिए, तो CCl4 कितना, देखो 30% तो ये था 100% में से, तो बचा कितना 100 में का 30 माइनस कर देंगे तो 70 तो बचा, तो मतलब 70% क्या था हमारे पास CCl4 था, मतलब 70% में 30%, मतलब 70% में 30% हमने क्या मिला दिया था, बेंजीन मिलाया था, तो सॉल्यूशन 100% का बनकर के तैयार हुआ था। अब इसका भी देखिए मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का एक कितना कार्बन है, एक कार्बन, और कार्बन का होता है कितना है 12, प्लस कितने क्लोरीन है 4। अच्छा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, और 17 एक ऐसा नंबर है और नंबर है, तो हमको इसमें 2 से गुणा करके एक क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तो 17 × 2 = 34 और प्लस 1 कितना हो गया 35, तो ये कितना हो गया 4 × 35। अब इसको जरा भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 + 4 × 35 ये हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा 152, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 70 / 152, तो ये हो जाएगा आपका 0.46, ठीक। अब हम दोनों की वैल्यू खाइए, यहाँ पर क्या करिए फुट कर दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इक्वल्स टू, देखिए 0.38 था ही और ये कितना निकल गया 0.46। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.38 ऊपर हो गया डिवाइडेड बाई 0.38 प्लस 0.46, तो ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं C6H6 का जो मोल निकल गया 0.45 निकल गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि इसी में हम आपसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल फ्रैक्शन पूछते, तो हमने कल आपको बताया था या तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालने के लिए यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल रख दीजिए और नीचे तो टोटल सॉल्यूशन का रखा ही जाएगा, वैसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा तरीका कल हमने क्या बताया था कि अगर आपको मान लीजिए कि CCl4 का भी निकालना था, तो 1 में से आप इस बेंजीन का मतलब दूसरे वाले का क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 1 में से अगर उसके मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपका पता चल जाएगा, तो 1 − 0.45, तो 1 − 0.45 कितना हो गया 0.55, तो ये किसका निकल आएगा CCl4 का। एक तो तरीका ये तो आसान था, नहीं तो यहाँ पर पुट करते इसके जगह क्या कहते हैं 0.38 की जगह 0.46, फिर नीचे सॉल्यूशन का तब डिवाइड करते तब ठीक नहीं आता, ठीक। इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते, आपसे हम क्या कह रहा था कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, ठीक है। आपको पूरे सॉल्यूशन का मास नहीं दिया था, तो हम पूरे सॉल्यूशन का मास कितना परसेंट मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक। 100% में से 30% क्या था बेंजीन, तो बचा कितना कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना बचा 70%, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि जिसका मोल आपको निकालना है उसके मोल ऊपर रखिए और नीचे टोटल सॉल्यूशन के रख दीजिए।
अब आपको C6H6 का पूछा था, तो हमने इसके मोल कहाँ रखे, ऊपर और नीचे कहाँ क्या रखा, टोटल सॉल्यूशन का। अब हम सबके मोल अलग अलग क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। पहले बेंजीन का मोल कैलकुलेट किया, तो बेंजीन का मोल कैलकुलेट करने के लिए इसका टोटल वेट आपको दिया था 30, ठीक है, और नीचे मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पता है कि 12 × 6 और प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो ये करके 0.38 आ गया। इस तरह CCl4 का 100 − 30 किया है, 100% सोल्यूशन था, उसमें से 30 माइनस कर दिया है। आपको तो 100% में गिवन नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, माने 100% का सोल्यूशन है, तो 100 में 30% क्या हो गया बेंजीन और 70% क्या हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो ये इसका हो गया, ये निकाल लिए 0.46। अब सबकी वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में क्या किए हैं, पुट किए हैं, बेंजीन के जगह बेंजीन के मोल, सॉल्यूशन के मोल, तो ये निकल आया, आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया था। अगर हम क्वेश्चन में और हम एक्स्ट्रा पूछ लेते कि क्वेश्चन में बताइए कि CCl4 का भी मोल फ्रैक्शन क्या होता, तो आपको यहाँ पर क्या है, क्या मोल रखना होता, CCl4 का मोल रखना होता, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनाते कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 बेंजीन, ठीक है। तो ये तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन करते हैं तब आ जाता, या तो सीधे 1 में से क्या करिए, जो ऊपर कैलकुलेट हुआ उसको माइनस कर दीजिए, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, आया समझ में, ओके। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप घर से करके लाइएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिख के दे रहे हैं ऊपर, इसको आपको करके लाना है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, इन अ सॉल्यूशन, कंटेनिंग in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass ये क्वेश्चन आप लोग करके लाइएगा, ठीक है, इसको करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है सेम यही इस तरह से ये वाला भी क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवाते हैं, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट, ये सब फेयर पे आप लिखते रहिएगा, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml सॉल्यूशन, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, मोलारिटी। तो पहले तो मोलारिटी का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नीचे क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कहा है में लीटर में, ये होता था, ठीक। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो देखो इसमें क्या है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है कि 5 ग्राम NaOH मतलब 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया गया है किसके अंदर, 450 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या किया गया है, डिजोल्व किया गया है, ठीक। तो अगर इसके अंदर डिजोल्व किया गया तो ये सॉल्यूट हुआ 5 ग्राम कम, यही तो 5 ग्राम कम है, 450 ml में डिजोल्व किया गया तो ये क्या हुआ सॉल्यूट। तो पहले NaOH एक सॉल्यूट है और NaOH का ही हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल
कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, ये समझ में आया सॉल्यूशन कैसे हुआ, क्योंकि ये 450 ml में क्या किया गया, डिजॉल्व किया गया। कौन डिजॉल्व किया गया? NaOH। तो डिजॉल्व कौन हो रहा है? NaOH। इस वजह से सॉल्यूट कौन हुआ? NaOH। तो ना पहले हम क्या करें, मोल निकालें, नंबर ऑफ मोल ऑफ N से डिनोट करते हैं मोल को। तो N निकालें किसका? इसका NaOH का। ठीक है, इसके NaOH का हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। टोटल वेट कितना दिया है? 5। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है? सोडियम का कितना? एटॉमिक नंबर कितना? 11। 11 एक और नंबर है, 11 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ? 23। तो ये क्या हो गया? 23। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक ही ऑक्सीजन था तो 16। और हाइड्रोजन का कितना? 1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 23 प्लस 16 प्लस 1, ये कितना हो गया? 40। मतलब ऊपर 5 ये, तो ये 1 में कितना हुआ? 8। तो ये नंबर ऑफ मोल पता चल गए। अब मोलारिटी को एम से डिनोट करते हैं, यहां पर रख दिया मोल कितना आया? 1/8। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था? 450 ml। देखो ये मिली लीटर में दिया है, तो हमने कहा था कि इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब जरा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हुआ, 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 45, तो ये कितना आ गया? 0.277 मोलर। चाहे इसको मोलर लिखिए या तो इसकी दूसरी एक यूनिट भी होती थी क्या, मोल पर लीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में? तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या था ये, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। मतलब 5 ग्राम NaOH का 450 ml सॉल्यूशन में मोलारिटी कैलकुलेट करनी थी। मोलारिटी का हमने फॉर्मूला लिखा, सॉल्यूट क्या था? NaOH। देखो डिजॉल्व कब हुआ है? NaOH। हमने इसका नंबर ऑफ मोल, टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 5 ग्राम NaOH था, 5 ग्राम रख दिया। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता था? सोडियम का 23, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना? 1। 5.48 by 8। कुछ और न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं इस पे, ठीक है, आप उसको भी घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना सॉल्व हो आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम कल आपको प्रोवाइड करवाएंगे या यहीं पर आपको सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी हम कल आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को थोड़ा आगे और क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल अभी आपको मोलारिटी के करवाने हैं, कुछ मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी के न्यूमेरिकल और आपको करवाएंगे। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ पर हमसे क्या करेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से मिलते हैं। Bye.